बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, हम भी खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं विंग्स, हल्के ग्रेवी वाले, जो एक टाइम ही हम खा के ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये इसमें हमने 2 अदद प्याज डाले हैं, 1.5 किलो विंग्स हैं, 2 अदद बड़े साइज के प्याज डाली हैं, 3 अदद टमाटर है, और आधा पाव दही होगी। विंग जो है धो के साफ सुथरे करके हमने रख लिए हुए थे, साथ में जो बना रहे हैं चाय। चाय के सिवा तो फिर बात नहीं बनती। चाय के साथ साथ हांडी बनाएंगे, साथ साथ चाय बनाएंगे, पियेंगे, मजे ही तो बाला हो जाता है काम का। तो जी साथ में आग भी जता रहे हैं, ठंड है ना, फॉग शॉप लाहौर में ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें डाल दी हैं और अच्छे से चाय भी पक जाएगी और प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। बच्चे जो हैं वो आग में हैं, आग में मसरूफ हैं, और बदतमीजी में भी। हमारा एक बच्चा जो है बड़ा बदतमीज चलता है। आप बताएं आप कैसे हैं, आपका संडे कैसा गुजरा? हमारा संडे आज बहुत मसरूफ गुजरा है, जो कभी कभार संडे हमारा मसरूफ गुजर जाता है। जमील जो है काफ़ी दिन से व्लॉग में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है वो टफ हो गई है, तो वो इसलिए व्लॉग में बहुत कम आ रहा है। क्योंकि सुबह का व्लॉग में आजकल नहीं बना रही, इंशाल्लाह सुबह हम आपको नाश्ते पे मिलेंगे, क्योंकि वह तब ज़मीर होता है, तो ज़मीर फिर ड्यूटी चला जाता है, फिर वो रात आता है लेट। वैसे भी हमारा व्लॉग जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो पोस्ट करते करते इतना टाइम लग जाता है, मुश्किल हो जाती है व्लॉग पोस्ट करने में। विंग्स का हो रही है बनाना, लहसुन और टमाटर हम प्याज में डालते हैं, साथ ही हम चिकन डाल देंगे। हरी मिर्चे निकालना दो चार, कल जो लाहौर में मंसूरी बारिश चलाई गई, मतलब नकली बारिश, तो उससे कुछ मौसम अच्छा हुआ है और को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। स्मोक जो है ये बहुत ज़्यादा बीमारियां लेके आ रही है। दे बेटा, चिकन डाल दिया है, तो अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, टमाटर प्याज और अदरक लहसुन में।
लेना, खत्म हो गई। दूरा पकड़ाना बेटा, बच्चे जो है ना ज्यादा ये विंग्स जो है पसंद करते हैं, उनको ज्यादा ये विंग्स और गर्दन ऐसी वैसी गोटियाँ मतलब बड्डी वाली बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें दही डाल दी है, थोड़ा सा दही बचाया है। इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया का रस्ता बनाएंगे, हरी मिर्च डालेंगे तो रोड लग अरुषा आइसक्रीम भी खा रही है और सब्जी भी लग रही है। ये क्यों अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर उसको पानी का डाल देंगे, थोड़ा सा उसमें ये गल भी जाए और हमारा शोरबा भी बच जाए जितना हमें चाहिए। शोरबा तो नहीं, हल्की सी थिक ग्रेवी बनाएंगे इसकी। तो सर पानी ऐड कर देते हैं, ये गल भी जाएगा और उसकी ग्रेवी भी बच जाएगी। ये देखो एक सलाम क्या हाल है आप सबका। जी जनाब हमारी रोटियां बन रही हैं, सालन हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम आपको टेस्ट कराते हैं। खाना तो हम तभी खाएंगे जब मीजा आएगा, 10 बजे आ जाता है तो 10 बजे फिर हमारा खाना होता है, फिर हम सब फैमिली इकट्ठा होके अपने कमरे में बैठ के खाना खाते हैं। इकट्ठा बैठ के खाना खाना बहुत ही बरकत का काम है, और फैमिली जो आम दिल में फैमिली होती है, एक बर्तन में सालन डाला और उस कमरे में बैठ गया घुस गया, एक बर्तन में सालन डाला और उधर चला गया, वो सब अच्छा नहीं होता। एक जगह पे जब खाना खाते हैं तो बरकत होती है, और इकट्ठा फैमिली भी जब इकट्ठी रहती है तो तब ही बरकत होती है। आप लोग फैमिली के साथ रहते हो, अलग रहते हो, बताएं कैसे रहते हैं। इंशाल्लाह हम सब दूसरे बच्चों की जब शादी होगी कोशिश तो यही करेंगे कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे ही रहें एक ही जगह, ताकि बच्चों की मर्जी जिंदगी इनकी है कैसे जिए। थोड़ा थोड़ा करके कट्टे दाल मतलब 1500 करके कट सी अद्धे कट सी अद्धी ना कट जो
माशाल्लाह आंटी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आ ये अम्मी के साथ बहुत अच्छी आंटी बनी है अम्मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। आज की कुकिंग कैसी है आप कमेंट करके बताएं कि आज की हांडी कैसी बनी है। अचानक से ये बीच में आ गया टपक के, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी चाचू के साथ, तो आप इसको प्लीज़ बताएं कि कैसा बना है सालन। असर ने तो बता दिया, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें। माशाल्लाह अब जो बाहर से कमेंट आ रहे हैं, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें हमारे साथ तावन कर रहे हो और पसंद कर रहे हो, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही तावन करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।